हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग घातांक के बारे में पढ़ेंगे। घातांक क्या है, तो घातांक किसको कहते हैं? तो घातांक किसे कहते हैं? बड़ी से बड़ी संख्याओं को जब उनके घात के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम घातांक कहते हैं। तो देख रहे हैं, एक अब जिसको हम एक प्रश्न लेकर के बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, लिखा गया है 3 × 5 × 3 × 2। यहाँ पर 3 क्या है? 3 एक आधार संख्या है और उसका घातांक कितना है? 5। और फिर 3 है, इसकी घातांक 2 है और इसका आधार 3 है। तो देख रहे हैं इसको, माने हमें अब इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, हल करने का एक फार्मूला भी है। जैसे देखिए, होता है कि a पावर m गुड़े a पावर n, a बराबर होता है a पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आधार बराबर हो तो हम घात को क्या करते हैं? घात को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, आपका है प्रश्न है कि 3 × 5 और गुणे लिखा गया है 3 × 2। तो देख रहे हैं जिस पर 5 की घात लगी है वहाँ पर 3, माने उसका आधार भी 3 है, और जिस पर 2 की घात लगी है इस पर भी इसका भी आधार 3 है। तो हम क्या कर देख रहे हैं, फार्मूला के अनुसार दोनों के आधार बराबर हैं। अगर दोनों के आधार बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा लिख सकते हैं 3 × 5 − 2 और ये हो जाएगा 3 × 7। अब तो यहाँ पर घातांक कितना हो गया? इसका घातांक हो गया 7 और आधार हो गया 3। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 × 7 में आधार क्या है और घातांक क्या है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। इसका घातांक आप लिख सकते हैं कि घातांक बराबर 7 और आधार बराबर 3। देखिए, इसको हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको हल कर सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न दूसरा लेते हैं। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ा सा जैसे लिखा गया है 4 × 5 × 3 × 3 × 3 × 7। अब देखिए, ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें पहली बात आपको यह ध्यान देना होगा कि जो समान आधार वाले घात हैं हम उनको क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो देखिए, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें समान आधार वाले कौन से हैं। तो देख रहे हैं 4 × 5 लगा है और 4 × 3 लगा है, तो ये दोनों क्या हो गए? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के आधार बराबर हों, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 4 × 5 और गुड़े 4 × 3। चाहे तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दें, चाहे तो वैसे ही रहने दें। इसके बाद देखिए, फिर लिखा गया है 3 × 5 × 3 × 7, और इसको भी आप इस तरह से एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप इसको लिख सकते हैं। देखिए,
अगर फार्मूले के हिसाब से लिखना चाहें तो लिख दें, कितना हो जाएगा? अभी आप जानें कि चाहे यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि ए पावर एम गुड़े ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले के हिसाब से आप इसको लिख दें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4^5 3 गुड़े, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3^5 7। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, अब आप इसको लिख सकते हैं 4^5 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, और गुड़े इसका घात जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3^7 5 12। अब ये आपका हो गया 4^8 इंटू 3^12, यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।